आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम खास तौर पर बच्चों को काफ़ी पसंद होती है। इस चॉकलेट आइसक्रीम की खास बात यह है कि हम इसे 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में ही बना के तैयार करेंगे। इस चॉकलेट आइसक्रीम को बनाने के लिए हम चॉकलेट या फिर कोको पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही आसानी से इसे आप घर पर बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए इसे झटपट से बना लेते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 से 7 बर्बन बिस्किट लिए हैं। ये चॉकलेट फ्लेवर वाले हैं। अब हम इन्हें इस तरीके से एक मिक्सर जार में तोड़ के डालेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इन दोनों का एक पाउडर बना के तैयार करेंगे। यहाँ पर पाउडर हमने बना लिया है। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। और अगर आपको चॉकलेट आइसक्रीम खाना पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। तो दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ पूरा ऐड नहीं करेंगे। अगर हम एक साथ पूरा ऐड कर देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर 1 कप दूध मैंने पूरा डाल दिया। अब मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप दूध और ऐड कर रही हूँ। मैं ये आइसक्रीम 1/2 लीटर दूध से बना के तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें पूरा दूध ऐड कर दिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर अब मैंने कढ़ाई रख दी है। अब मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए धीमी गैस पर कुक करूँगी। तो आप थोड़ी देर के दौरान देखेंगे कि ये थिक होने लगेगा। तो बस इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। इसे कुक होने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं धीमी गैस पर। ये आइसक्रीम खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और ख़ास बात यह है कि 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार हो जाती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खास तौर पे चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। और अगर आपको और भी आइसक्रीम की रेसिपी देखनी है तो मैं उन सभी के लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उन्हें इंजॉय कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम इसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे। अगर हम चलाना बंद कर देंगे तो ये तले में नीचे लग जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें इसे कुक करते करते 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर है वो काफ़ी थिक हो गया है और क्रीमी क्रीमी हो गया है। तो बस अब हम स्टेज पर यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे ठंडा करके ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके ले लिया है। अब हम फिर से एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद इसे चर्न कर लेंगे। चर्न करने के बाद आप देख सकते हैं कितना स्मूथली आइसक्रीम बेस है वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक कंटेनर या फिर एक बोल ले लेंगे, उसमें इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे। आज मैं इस आइसक्रीम को बोल में जमा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर बोल ले लिया। आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर, अगर आप इसकी कुल्फ़ी बना रहे हैं तो कुल्फ़ी ग्लासेस भी ले सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसे एक एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। आप यहाँ पर पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल से कवर करने से हमारी आइसक्रीम में क्रिस्टल नहीं आते हैं और क्रीमी क्रीमी बनती है। अब हम इसे ओवरनाइट या 4 से 5 घंटे के लिए जमने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर 7 से 8 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम है वो जम चुकी है। अब हम झटपट से इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आप स्पैचुला या फिर स्कूबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी क्रीमी क्रीमी और टेस्टी सी आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। तो लीजिए तैयार है हमारी बर्बन बिस्किट से बनी हुई चॉकलेट आइसक्रीम। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। और ख़ास बात यह है कि आप इसे 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में ही बना के तैयार कर सकते हैं।